दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा है कि ठीक ही होंगे। आज हम आपके लिए कुछ नया और रोमांचक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों ताज़े फलों का रस पीना और टेस्टी फ्रेश फ्रूट्स खाना सभी को पसंद है। ये फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं। आपने कई बार इन टेस्टी फ्रूट जूसेस को बाज़ारों से ख़रीदा भी होगा और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी आए होंगे कि हेल्दी जूस बनाते कैसे हैं। तो आज आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और साथ ही में लाइक बटन दबाइए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी। दोस्तों नंबर वन पे है फ्रेश लेमन जूस। आप सभी को नींबू शरबत पीना सभी को पसंद है और इसे बनाना भी बड़ा आसान है, पर जब हज़ारों नींबुओं का रस निकालने की बात हो तो हमारी ये मशीन इस काम को बड़ी आसानी से कर देती है। जूस इंडिया की ये मशीन, जहाँ सिर्फ नींबुओं को बेल्ट पर रख देना होता है और जिसके बाद मशीन खुद ही इन्हें कट करके इनका रस निकालने लग जाती है। और इस मशीन का बेस्ट फीचर ये है कि ये मशीन नींबू के सीड्स को टच तक नहीं करती, जिसे लेमन जूस में कड़वाहट नहीं आती है। नंबर दो पे है पोमोग्रेनेट जूस। दोस्तों पोमोग्रेनेट या अनार का जूस हर किसी को पसंद है। जूस बनाने की शुरुआत एक एडवांस मशीन से होती है, जहां अनार के कैरेट को खाली कर दिया जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट द्वारा पोमोग्रेनेट को या अनार को आगे बेच दिया जाता है। और आगे बढ़ते हुए ये अनार एक क्रशर की ओर जा पहुंचती है, जहां इन्हें क्रश कर दिया जाता है। इसके बाद एग्जामिनर खराब अनारों को निकाल लेता है। आगे इन अनारों में से इनके बीज अलग कर दिए जाते हैं और इनका छिलका फेंक दिया जाता है। अब वर्कर्स की एक टीम खराब दानों को अलग कर अच्छे दानों को जूसर की ओर भेज देते हैं। जूसर में ये प्रॉपर ग्राइंड होके ताज़ा फ्रेश पोमोग्रेनेट का जूस या अनार का जूस हम लोगों को मिल जाता है। अब इस फ्रेश पोमोग्रेनेट जूस या अनार के जूस, जो काफ़ी सारे न्यूट्रिशन से भरे पड़े हैं, इन्हें प्लास्टिक पैक्स में भर दिया जाता है। अब नंबर तीन पर है हमारे लिस्ट में हेल्दी कीवीज। दोस्तों कीवी विटामिन सी, के, ई और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरे पड़े हैं। इन कीवीज को फैक्ट्रियों में लाने के बाद इनका कड़ा इंस्पेक्शन और क्वालिटी चेक करके इन्हें आगे भेजा जाता है। अब इन कीवीज को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें इनके साइज और वेट के हिसाब से अलग अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद वर्कर्स इन कीवीज का पर्सनल चेक करते हुए इनकी क्वालिटी और कंडीशन पूरी तरह से परख लेते हैं और फाइनली इन कीवीज को ड्राई करके इन्हें पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और इस तरह से इस कीवीज का प्रोसेसिंग कंप्लीट। दोस्तों अब नंबर चार पर है पाइनएप्पल कटो। ये मॉडर्न मशीन पाइनएप्पल काटने के मुश्किल भरे काम को काफ़ी आसान कर देती है और इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसकी वर्किंग एफिशिएंसी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मशीन बस एक क्लिक में ही पाइनएप्पल को कट कर देती है, उसका बीज का गुर्दा निकाल के सिर्फ उसके पीसेस को कट करके खाने लायक तैयार कर देती है।
दोस्तों अब नंबर 5 पर है एप्पल जूस प्रोडक्शन। दोस्तों आपने मार्केट से एप्पल जूस ज़रूर खरीदी होगी, जैसे फिज, मिनट मेड एक्सेट्रा। आज हम दिखाएंगे कैसे ये बनाए जाते हैं। हम मोर देन 100 टन एप्पल्स को बड़े बड़े मशीनों से फैक्ट्रियों में से लाया जाता है और हाई परफॉर्मेंस कन्वेयर बेल्ट से इन्हें आगे भेजा जाता है और जहां इन्हें वॉश कर क्लीन किया जाता है, जिसके बाद इन वॉश्ड एप्पल्स को ड्रायर बेल्ट से गुजारा जाता है जहां इनमें से एक्सेसिव वाटर्स को हटा दिया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट से इन एप्पल्स को जूसर और स्लाइसेस के सेक्शंस की ओर भेज दिया जाता है जहां ये फर्दर प्रोसेसिंग से गुजरने वाले हैं। कटर्स की ओर आने के बाद शार्प ब्लेड्स के मशीन्स में इन एप्पल्स को डाला जाता है जहां ये कटकर आगे बड़े बड़े जूसेस में जाते हैं और जहां काफ़ी वक्त के लिए इन एप्पल्स का जूस निकाला जाता है। तैयार जूस को लैब्स में टेस्ट कर इन्हें अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद इन्हें प्रोसेसिंग चैम्बर्स में भेजा जाता है जहां एप्पल जूस में कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, कार्बोनेटेड वाटर एंड प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। अब तैयार फ्रूट जूस को बड़े फिलर लाइंस में भेजा जाता है जहां बॉटल्स में इन्हें तैयार कर एप्पल जूसेस को भरा जाता है। ये असेंबली लाइन काफ़ी बड़ी और एफिशिएंट होती है, जिसके वजह से हजारों एप्पल जूसेस के बॉटल बनाए जाते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मशीन्स के थ्रू हैंडल किए जाते हैं, फिर वो कैप फिट करने का काम हो या लेबलिंग करना, और इस तरह से फिज भी बनाई जाती होगी। और दोस्तों आगे हमारे लिस्ट में है ये अल्टीमेट कैरेट पीलर, जिसकी एफिशिएंसी देख आप हैरान रह जाएंगे। ये मशीन पीलर और रोलर का एक कॉम्बिनेशन है जहां बस गाजर को डाल दो और ये रोलर के थ्रू इन्हें हाई स्पीड से आगे फेंकता चला जाता है और ये मशीन्स में लगे ब्लेड गाजर को छीलते रहते हैं। और जिसके वजह से गाजर को बड़े आसानी से छील दिया जाता है। अब इन छीले हुए गाजर को कन्वेयर बेल्ट द्वारा आगे भेजा जाता है जहां वर्टिकल ब्लेड्स इन्हें काटकर छोटे टुकड़े कर देती है। इस तरह से इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है। हमारे लिस्ट में आगे है ये सुपर आइस कैंडी बनाने वाली मशीन, जहां सब कुछ मशीन्स खुद ही कर लेती है और वर्कर्स का लगभग कोई काम नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। लिस्ट पर लास्ट रैंक पर है ये अमेजिंग कैंडी बनाने वाली मशीन, जो बचपन से ही हम काफ़ी पसंद करते हैं। आइए देखते हैं ये काम कैसे करती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन को दबाए बिना बिल्कुल आगे न जाए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।